डिब्रुगढ़ के सिरिंगसापोड़ी स्थित श्री गोपाल गौशाला में कल गो एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन जिला उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने किया। वर्ष 1901 में स्थापित श्री गोपाल गौशाला गौ रक्षार्थ के क्षेत्र में कार्यरत है। हाल ही में गौ चिकित्सा अस्पताल के शुरुआत के पश्चात गौ एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। नॉर्थ ईस्ट में पहली गौ एम्बुलेंस सेवा का शुरू करने का उद्देश्य है कि रास्तों में किसी गाय का दुर्घटना होने पर उसे श्री गोपाल गौशाला अस्पताल में लाने की असुविधा को देखते हुए कमिटी द्वारा आधुनिक हाइड्रोलिक सिस्टम युक्त अहमदाबाद से मंगाई गई गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ये गौ एम्बुलेंस शहर के लगभग 30 किलोमीटर के भीतर किसी भी गाय की दुर्घटना में घायल होने पर उसे एम्बुलेंस के माध्यम से यहां लाई जाएगी। श्री गोपाल गौशाला के कमिटी द्वारा गौ रक्षार्थ के क्षेत्र में अन्य कई योजनाएं चलाई जा रही है। ये गौ एम्बुलेंस जो गाय बाजार में जो एक्सीडेंट होती है उनको लाने ले जाने में सुविधा के लिए, जो अभी नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी नहीं है, हमारी गौशाला में हमने पहली बार का अनावरण किया है। आसपास की एरिया में 25-30 किलोमीटर नियर अबाउट डिब्रूगढ़ जो भी हम लोग को मैसेज देगा उसमें नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर से मैसेज मिलने से हमारे आदमी जाएंगे, गाय को लाएंगे और हमारी जो गौशाला में जो हमने अभी फिलहाल में गौशाला में हमने अस्पताल का उद्घाटन किया है उसमें ऑलरेडी डॉक्टर यहाँ रहता है, उनके द्वारा उनका जो भी इलाज है किया जाएगा। क्या डॉक्टर 24 घंटे यहाँ रहते हैं? 24 घंटा नहीं, 12 घंटा रहता है और बाकी टाइम इमरजेंसी में कॉल करके उसको बुला सकते हैं अपने। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य।